आज जो जगकर 6 घंटे नहीं पढ़ सकता, आज जो जगकर 6 घंटे नहीं पढ़ सकता, उसे कल 12 घंटे की नौकरी करना है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सभी लोग शिक्षित हों इसीलिए सभी लोग पढ़ते रहें। जय श्री राधे राधे। मैं इंजीनियर भरत शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल JSM SSC क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पटवारी के बैच प्रारंभ हैं, चालू हैं। सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स एक विशेषज्ञ द्वारा अलग अलग पढ़ाए जा रहे हैं, जो प्रातःकाल 8:30 बजे से 12:30 बजे तक है। जो भी विद्यार्थी पटवारी के न्यू बैच ज्वाइन करना चाहता है वे ज्वाइन कर सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवारी की सीरीज में मैं मैथ पढ़ाने की बात कहूँ तो मैं आप लोगों को 3 रूपों में पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं बात कहूँ, सबसे पहले रेगुलर बैच, दूसरा ऑनलाइन बैच, तीसरी एक्स्ट्रा क्लास। आज नॉन स्टॉप 3 आवर्स की क्लास थी। प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपके पास कोर्स पहुँचे जिससे आपको रिविज़न करने का मौका प्राप्त हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी करें और जल्दी बैच ज्वाइन करें, क्योंकि कहीं भी करें बैच को, अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें। क्यों? क्योंकि कब वैकेंसी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इसलिए तैयारी जो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो तैयारी करते रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं सिलेंडर की क्लास आपको चला रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो केवल पटवारी नहीं, हर एग्जाम के लिए आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं वो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अब हम आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्नों को आगे बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी लगेगा, पर आपको पेशेंस रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो बेटा, आयतन इसका होता है πr²h। मैं आपको बेलन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके सिलेंडर की बात कर रहा हूँ कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr h। और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr r+h। मैं यहाँ आपके जो सामने बात रख रहा हूँ, आज थोड़ा डिफिकल्ट और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। पेशेंस रखे, समझते चलेगा, मजा आएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं करा चुका हूँ, अब एडवांस लेवल के प्रश्न हैं। आयतन πr²h, वक्रपृष्ठ का 2πr h, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr+h। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूँ छोटा सा, जिसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हाँ, देखें, पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ 264 m² तथा आयतन 924 m³ है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला ये प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए लिखे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि एक एक्स्ट्रा प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं भी बताऊंगा। देखिएगा, जिन बच्चों को क्लास कम समझ में आती है, क्योंकि जो ऑफलाइन के आदि हो चुके हैं, ऑनलाइन नहीं कम समझ में आता है उनको, ऑनलाइन या नहीं समझ में आता, वो क्लास को 1-2 बार अटेंड कर लें। चलिएगा, मैं 2nd नंबर के प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ, इसी जैसा है, तब तक आप इसे करिएगा। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा तो इसी जैसा है, देखिएगा। एक बेलनाकार खंभे के
बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 2772 मीटर क्यू है। खंभे की ऊंचाई क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बड़े आराम से प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा। ये आपने कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो आप कॉपी कर लें, और जो पहली क्लास ले रहे हैं वो पहले इसको कॉपी कर लें। हाँ, जो कहीं पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ में जल्दी आएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि सारी चीज़ एक ही क्लास में नहीं आती। जब वो क्लास बीच में चल रही हो तो समझें बिल्कुल नहीं आती। आप यदि उसे प्रारंभ से ले रहे हैं तो समझ में आएगा, आप इसे कॉपी कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सबसे पहले यह प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, याद रखना। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगने के लिए पढ़ा रहा होता तो लॉलीपॉप छोटे छोटे प्रश्न और एक ही प्रकार के चार चार प्रश्न कराता तो सबको समझ में आता है। कोई भी टीचर एक ही प्रकार के अगर लगातार चार पांच प्रश्न कराए तो कम समझ में आने वाले वीक से वीक बच्चे को भी अच्छा लगने लगता है। चूंकि अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो फिर ये कब तक खत्म कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होते तो 20 टाइप तो होते ही हैं, और 20 टाइप में अगर एक टाइप में चार क्वेश्चन कराऊंगा तो आप भी समझ रहे हैं कि 80 प्रश्न हो गए, और 80 प्रश्न के लिए अगर एक दिन में मैं 8 क्लास लेता हूं तो 10 क्लास चाहिए, और अल्टरनेट क्लास चलती है मेरी तो 10 क्लास बोले तो 16 से 18 दिन लगेंगे, क्योंकि रविवार भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा, समझिएगा। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ इतना है, आयतन इतना है, इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो पहले समझा करो, वक्र पृष्ठ दिया है 264, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, ए दिया है 264, फिर इसका आयतन दिया है, आयतन होता है πr²h, ए दिया है 924। मेरी बात को पहले समझें, आप सुने। सबसे पहले उसने बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ दिया है ए, और फिर दिया है आयतन, दिया है ए। उसने कहा है कि इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, इसका व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? तो आप मेरे विद्यार्थियों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपका ये दिया है 2πRh वक्र पृष्ठ, और ये दिया है आयतन। आपको व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना 2r, और ऊंचाई क्या होती है? h, यानी 2r और h का रेशो निकालना है। तो देखिएगा, इसको 2-3 रूपों में आप निकाल सकते हो, कहीं कोई बात नहीं है, बड़े आराम से निकल आएगा। सबसे पहली बात कहूंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात निकालो। तो पाई से पाई कट गया, एकार से एकार कट गया, और एच से एच कट गया, ऐसे अनुपात निकालो। आप अनुपात निकालो या ऐसे लिख लो, देखिएगा, वक्र पृष्ठ ऊपर लिख लो, ये नीचे लिख लो, πr²h बराबर 264/924, ये लिख लो। देखो, एच से एच कट गए, पाई से पाई कट गए, एक आर से एक आर कट गया, समझ में आ रहा है? आप कहोगे नहीं हम सर आयतन ऊपर लिखेंगे, तो आप ऊपर लिख सकते हो। आप कहेंगे कि सर आपने कैसे समझा, भाग देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर और एच निकालना है तो मैं फिर क्या करूं, घटा सकता नहीं हूं, घटाने पर कुछ बचेगा नहीं, भाग देने पर कट तो जाएंगे कम से कम, इसलिए मैंने तो बड़े प्यार से पहले 2 से काट रहा हूं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 8 = 12, 2 × 2 = 4, फिर बेटा 2 से काट रहा हूं, 2 × 12 = 2, 2 × 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, ए बच गया 66/ए। हाँ बेटा, फिर आपका 11 से कट रहा है, घबराए नहीं, 11 से कट रहा है, 11 × 66, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, आपका 11 से करना है, 11 × 66,
ग्यारह दूनी बाईस, तेईस में से बाईस गए एक बचा, ग्यारह एकम ग्यारह, तीन से कट रहा है, तीन दूनी छः, तीस सात इक्कीस, तो यहाँ बचा आपका टू अपॉन आर और इधर बचा बेटा दो बटे सात। कुछ नहीं किया है मैंने, इसको काटा है, मैंने इसको काटा है बेटा, दो से दो ऊपर कट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सात एकम सात, आर एकम आठ, आर बराबर आ गई आपकी सात। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, सात आ गई बेटा। आपकी रेडियस कितनी आ गई, सेवन आ गई। रेडियस आपने क्लियरली निकाल ली है। अब आपको चाहिए देखो टू आर, तो सात यहाँ रखोगे तो सात दूनी चौदह तो ये हो गई, चौदह अनुपात एच निकालना है। तो आर का मान चाहे तो यहाँ रख दो और चाहे यहाँ रख दो, आर का मान कहीं भी पुट कर दो, आपका उत्तर निकल आएगा। क्या समझे कि मैंने इसमें इसका भाग दिया, आर निकल आया, और आर को कहीं भी पुट कर दो तो एच निकल आएगा। बहुत सीधा साधा प्रश्न है, मैं और भी प्रश्न दे दूंगा, घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, और सरल और बना दूंगा इसको, ठीक है? हाँ, सरल और बना दूंगा, चलेगा। तो मैं इसको जरा और निकलवा दूं, तो देखिएगा मैं आर यहाँ रख रहा हूँ, मैं आर यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे, चलो मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। जो भी विद्यार्थी अभी अभी आए हैं वो ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और थोड़ा धैर्य रखें, आपको सवाल समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ दो, पाई का मान बाईस बटे सात, आर का मान कितना दिया है सात गुणा एच बराबर 264। बेटा ये कट गया, एच का मान निकालेंगे, बाईस और दो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एच बराबर 264, दो और बाईस कहाँ आ जाएगा नीचे, एच सात से साठ, एच बराबर 2202 आ जाएगा नीचे। दो से काटूंगा, दो एकम दो, दो तीय छः, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो तीय छः, दो दूनी चार। बेटा अब मैं 11 से काट दूंगा, 11 से काट दूंगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 13 में से 11 गए दो बच्चे, 11 दूनी 22, दो से काट दूंगा 6, ऊंचाई कितनी आ गई 6, यहाँ पर 6 रखूंगा, आराम से दो से काट लेना, दो सात चौदह, दो तीय छः, तीन सात अनुपात तीन आपका उत्तर हो गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं किया मैंने, वक्रपृष्ठ और आयतन दिया था, भाग दे दिया तो आर निकल आया, आर का मान यहाँ पुट कर दिया, मैंने ये सॉल्व किया है, एच निकल आया। ऊंचाई और ब्यास का अनुपात पूछा है, ब्यास होता है टू आर, ऊंचाई होती है एच, देख लीजिएगा। आपके सामने प्रश्न लिखा है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न और लिख रहा हूं मैं, हटा दूं इसको, एक प्रश्न और लिख रहा हूं, हटा दूं इसको, आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लो ये लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी बेलनाकार खंभे की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 64 पाई मीटर स्क्वायर है, ये लीजिएगा, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इसी जैसा ये, बिल्कुल इसी जैसा, तथा इसका आयतन, तथा इसका आयतन बिल्कुल घबराए नहीं, पाई मीटर क्यूब है, तो इसके, अब मैं इन्हें मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हाँ, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे भाई इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न आपके सामने है, आप बढ़िया से इसको करिएगा। तीन प्रश्न लगभग एक जैसे हो गए हैं, हाँ तीन प्रश्न लगभग एक जैसे हो गए हैं, मैं दूसरा प्रश्न कराऊंगा, पहला और दूसरा एक जैसा है, तीसरा भी वैसा ही है,
मैं अब इसको मिटा दूं स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। चलो मिटा रहा हूं, ये लीजिएगा, ये मिटा दिया। देखो दोस्तों, आप भी समझ रहे हैं थोड़ी व्यवस्थाओं की कमी है, इसलिए चलो मैं इसे करवाता हूं, इसका सॉल्यूशन भी नीचे से मिटा देता हूं, मैं इसे करवाता हूं, समझिएगा जरा, सुने। उसने कहा है कि एक बेलनाकार खंभे के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बक पृष्ठ कितना दिया है बेटा 528, और आयतन कितना दिया है, आयतन 2772 ये दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बक पृष्ठ दिया है और आयतन दिया है। बक पृष्ठ होता है 2πRh और आयतन होता है πr²h। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेलन का बक पृष्ठ होता है 2πRh, आयतन होता है πr²h, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बक पृष्ठ में इसका भाग दे देना है। देखो, और कहीं किसी से कोई नहीं निकलेगा, अगर गुणा करेंगे तो ना तो r कटेगा ना h कटेगा, क्योंकि आपको r या h में से कोई एक वैल्यू तो मिलनी चाहिए, ना जोड़ने से ना घटाने से, केवल भाग देने से ही आता है। तो 2πRh अपॉन πr²h बराबर 528 अपॉन 2772। एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, बचे 2/r। अब मैं से आराम से काट रहा हूँ, आप भी काट लो, 4 से काट देता हूँ या 2 से काट दो, 2 × 2 = 6, 1 × 2 = 16, 1 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 12, 2 × 4 = 8। आराम से काटो, कहीं कोई बात नहीं है, 4 से काट दूं यार, अब तो 4 से काट देता हूँ, 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24। बेटा देखो, काटना तो आपके हाथ में, 4 × 6 = 24, 2 बचे, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 1 बचा, 4 × 16 = 2 बचे, 2 बचे, 4 × 6 = 24, आपका आ रहा है 66/341। अब मैं बेटा 11 से काट रहा हूँ, या 2 से काट दूँ या 6 से काट दूँ, तो देखिएगा, सबसे पहले 2 से काट देता हूँ, 2 × 6 = 6, 2 × 2 = 14, 2 × 2 = 14, 2 × 6। इसके बाद बेटा मैं अब किससे कटेगा, 11 से तो बेटा अब ये कटने से रहा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 3 से बेटा ये कटेगा नहीं, जैसे का तैसा बना रहेगा, कहीं कोई बात नहीं है। तो आपका यहाँ बचा है बेटा 2/r बराबर 33/173, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 33r बराबर 2 × 2 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 14, 2 × 2 = 3। तो r का मान आ गया आपका इस प्रकार से, r की वैल्यू ये आ गई। ये देख लेना कहीं गलत तो नहीं काट दिया मैंने, 2 × 2 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से, हाँ गलत काट दिया मैंने, 2 से नहीं 4 से काटा, 4 × 3 = 1, 4 × 16 = 2, 4 × 6 = 24, नहीं सही काटा है मेरे हिसाब से, सही कटा है, हो सकता है वैसे सही कटा है, आप देख लीजिएगा आर का मान। अब आपको आर का मान आ गया, इसने ऊंचाई पूछी है, तो आर का मान बेटा आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका एच का मान निकल आएगा। मैं देख लो रख रहा हूँ 2, आर का मान वो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 346/33 एच, और बराबर में 528, बराबर में क्या है 528। आपको मैं बता दूं, एच की वैल्यू निकालनी है तो नीचे का मान ऊपर और ऊपर का मान नीचे, चलो मैं इसको हटा देता हूं फिर सही हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको नीचे लिख देता हूं। ये देखिएगा 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 346/33, एच बराबर 528। बेटा एच की वैल्यू निकालूंगा तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, 11 से काट दूंगा, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, बेटा नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो h बराबर आपका हो जाएगा 528, नीचे का 7 और 3 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर का 2 × 2 = 340 नीचे आएगा, 2 × 2 =
346 नीचे आएगा। नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, आपका ये उत्तर हो गया। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, और देखो डाटा का सारा प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे थे कि इससे पिछला वाला प्रश्न था वो बहुत इजी हो गया था, यही प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कारण ये रहा कि इसकी कैलकुलेशन यहाँ कटने वाली नहीं रही। चलेगा दोस्तों, इसे जल्दी से आप कॉपी कर लें जिससे मुझे अगला प्रश्न लिखना है। देखो अब प्रश्न एसएससी सीजीएल लेवल के या सीएचएसएल लेवल के या बड़े लेवल के प्रश्न हैं, छोटे लेवल के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी अभी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे अगला प्रश्न लिखना है। ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत गर्मी पड़ रही है, चले हटा दूं। चलो, और अभी भी अगर किसी ने नहीं लिख पाया हो तो आप ऐसा किया करो कि पीछे वीडियो अपलोड हो जाएगी तब देख लिया करो। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका बक पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखिएगा, और भी खूबसूरत प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। देखिएगा कितना प्यारा प्रश्न है, आप देख लें। एक ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया इतना है, यदि इसका बक पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न है। इससे पहले आपका एक प्रश्न और ऊपर लिखा हुआ है, आप इसका जवाब दीजिएगा। बेलन के बहुत ही खूबसूरत प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा, किसी बेलनाकार खंभे के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। ध्यान से सुनिएगा, बक पृष्ठ कितना दिया है आपका 64 पाई, और आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 448 पाई। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो बेटा संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। यदि आपकी त्रिज्या और ऊंचाई नहीं है, हाइट और रेडियस नहीं है, तो आप संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल सकते। देखिएगा मेरे बच्चों, जो आज जग के पढ़ रहा है वही सफल हो रहा है। आपको एक खूबसूरती बता दूं कि एग्जाम हर किसी का नहीं निकलता, एग्जाम केवल उन्हीं का निकलता है जो वास्तविकता में पढ़ रहे होते हैं, वही पेपर क्रैक कर पाते हैं, और तो केवल भीड़ बढ़ाने आते हैं, ये एक सत्य बात है। यदि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चों जो इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें लगता है कि भैया बेलन की और भी क्लास है, तो सारी क्लास कंटिन्यूटी में डली हुई है। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, हर प्रकार का प्रश्न आपको करा रहा हूँ। चूँकि छोटे लेवल के करा चुका हूँ तो अब बड़े लेवल की बात है, तो इसे भी आपको समझना होगा, क्योंकि हमें छोटा और बड़ा दोनों समझना है।
बक पृष्ठ होता है बेटा आपका 2πRH और वॉल्यूम होता है आपका πR²H। यदि मैं इनका रेशो निकालूंगा, यदि मैं इनका बेटा रेशो निकालूंगा इस प्रकार से, ये आएगा 64πA। तो बेटा एस से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर, 2/r बच गया, यहाँ पाई से पाई कट गया। मैं मेरे प्यारे बच्चों काट रहा हूँ इसको, 2 से काट रहा हूँ, 2 × 3 6, यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, 2 × 3 6, 2 × 2 = 4, 2 से काटूँगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। फिर बेटा 2 से काट रहा हूँ 16, फिर 2 से काट रहा हूँ 2 × 2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। फिर बेटा फिर 2 से काट देता हूँ, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 8 × 8 = 856, 1/7। तो आपका, आप देख पा रहे हैं आपका उत्तर आ रहा है कट्टे के बाद 1/7। मैंने काटा है, आप 2 से 4 से 8 से 64 से 16 से किसी से भी काट सकते हैं। 2/r = 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 14। ये आगे आ जाएगा r बराबर 14। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2πRH, क्योंकि आपको r तो आ गया 14, आप यहाँ r का मान तो शो कर सकते हो, पर h कहाँ से रखो निकालोगे, तो h का यहाँ से मान निकालिएगा 2, डायरेक्ट रख रहा हूँ पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 14, और h का पता नहीं है 64π। चूँकि यहाँ पाई का मान मत रखो, क्योंकि डायरेक्ट ही पाई दिया है, तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से काट दूंगा 32 हो जाएगा, फिर h बराबर आ जाएगा 32/14, 2 से फिर काट दूंगा तो 16/7 आ जाएगा, और यही आपका h आ गया, ये है आपका r आ गया। h और r आपके सामने है, h और r का मान यहाँ रखना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा मेरे बच्चों। h और r का मान अगर आप यहाँ रखोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा। अब ये आपको टोटल सरफेस एरिया सेम निकालना है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये r है, ये h है, और ये आपको वैल्यू यहाँ पुट करना है, आपका उत्तर मिल जाएगा, चलेगा ठीक है, आप रख लीजिएगा, कॉपी कर लें। जब तक मैं थर्ड वाला क्वेश्चन हटा के और उसके स्थान पर एक प्यारा सा और खूबसूरत सा प्रश्न लिख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, चलेगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा 5 नंबर का प्रश्न। ये देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, ये एक बेलन के, आप जब तक तो इसे लिखने के बाद इसे करिएगा, बेलन के लैटरल सरफेस एरिया तथा टोटल सरफेस एरिया के क्षेत्रफलों का अनुपात, का अनुपात 1:2 है। बड़े अच्छे से खूबसूरती से लिख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्यारी सी बातें हैं, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, इसे बक पृष्ठ कहते हैं, इसको संपूर्ण कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण होता है, लेटरल बक पृष्ठ होता है। और ये वाला पांचवा और चौथा एक ही जैसा प्रश्न है, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बिल्कुल इसी जैसा प्रश्न है, ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न है, देख लें, कर लीजिएगा, आपने कॉपी कर लिया होगा, और आप फोर्थ वाले को कर रहे होंगे। प्रश्न का लेवल बच्चों बहुत अच्छे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करते रहें, हम भी आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, हटा दो इसको, आप हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल निकालना है, और निकालने के बाद कमेंट में देना है बेटा, लाइव कमेंट नहीं करना है, कमेंट ऑफिस अलग होता है उसमें देना है, जिससे क्या है
कि कुछ बच्चे अपना उत्तर मैच कर लेंगे। तो सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, या प्रयास करूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दूं, तो आप सभी मैच कर लेना, ठीक है, या आप में से ही कमेंट बॉक्स में लिख देना तो बच्चे मैच कर लेंगे। हटा दूं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बेटा, ये थोड़ा अलग सा टाइप है, परंतु ये वाला और ये वाला एक ही बात है। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का अनुपात डायरेक्ट दे दिया है, और यहाँ पे कहा है कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। बेटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 231। यदि इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का दो तिहाई हो, यदि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का दो तिहाई हो, दो तिहाई का अर्थ होता है 2/3, 2/3। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, समझिएगा। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, यदि इसके वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का दो तिहाई हो, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का दो तिहाई हो, अर्थात ये वाला दो तिहाई हो इसका, तो आप दो तिहाई का मतलब हो गया इसको ऐसे लिखेंगे और इसको एक मानेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है ये एक है तो ये 2/3 है, इसकर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप सीधे शब्दों में समझ लीजिएगा कि लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अनुपात 2:3 है। लैटरल और टोटल का रेशो कितना है? 2/3 है। उसने कहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कॉमा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 है, 2/3 है, तो ये 2/3 है तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2:3। एलसीएम विधि से 3 ऊपर जाता है, एलसीएम विधि में 3 का महत्व नहीं होता क्योंकि अनुपात लगा है, अनुपात में एलसीएम हट जाता है। लैटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRr+h, ये होता है बराबर 2/3। तो मैं 2πR काट दूंगा तो मैं कहूंगा आपका एच आ रहा है इतना, तो R और एच आ रहा है इतना। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, मैं कहूंगा आपका एच आ रहा है इतना तो R प्लस एच आ रहा है इतना, एच आ रहा है इतना तो R प्लस एच आ रहा है इतना। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एच आपका 2 है, R प्लस एच आपका 3 है, तो R कितना होगा? 1। बोलो होगा या नहीं होगा? तो R हो गया एक और H हो गया आपका 2, अर्थात इसमें आप X लगा सकते हो, क्योंकि आपको आपको बेटा यहाँ पर आयतन निकालना है, तो आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसके लिए आपको त्रिज्या भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। यहाँ पे आपका R प्लस H दिया है 3, H दिया है 2। मैं चाहता तो यहीं डायरेक्ट लिख देता, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में आए कि आखिर ऐसा सर ने क्यों माना। तो ये हो गई आपकी R प्लस H, अगर H 2 है R भी जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब R 1 है। संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2πRr+h और ये हो गया 231। तो 2 पाई का मान 22/7। थोड़ा मैं जल्दी लिखूंगा उस बात को समझना, थोड़ा मैं जल्दी लिखूंगा उस बात को समझना। 2 पाई का मान 22/7, R कितना दिया है? 1। R कितना दिया है? 1। और R प्लस एच कितना होता है? R प्लस एच 2/3, या यहाँ से देख लो 2/3, 3 होता है 3x बराबर 231। R प्लस एच 231। अब मैं इसको काटूंगा, ऊपर नीचे ले जाऊंगा, कहीं कोई बात नहीं है, एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 231, नीचे का 7 ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। मैं यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 11 से कट जाएगा, 11 × 22, 11 × 11, 11 × 22 ये कट जाएगा, 11 × 22 एक बचा, 11 × 11 ये कट जाएगा, ये आ गया। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 7 × 3 × 7/2 × 2, ऐसे। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लगेगा, 7 × 3 × 7/2 × 2, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। आपको ध्यान रखना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आप ये देख रहे हैं, मान निकाल रहे हैं, तो 7 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 3 2 बाहर निकल आएगा, ऐसे ये आपको आता रहेगा, 7 बाहर निकल आएगा और 2 बाहर निकल आएगा, 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा।
मैं नीचे प्रश्न मिटा रहा हूं, ये आपका बेटा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 7√3/2। मैंने सही रखा है, आप देख रहे हैं 22/7, r का मान कितना दिया है 1, r प्लस एस 3, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सही काटा है, देख रहे हैं ये आ गया x का मान, ये आ गया। अगर मैं बेटा x का मान यहां रखूंगा ये, तो ये आ जाएगा 7√3/2, क्योंकि 1x x ये, यहां रखूंगा तो 2, x का मान 7√3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 7√3, x का मान आपका ये आ गया, r का मान आपका ये आ गया। x का मान मैंने यहां रखा ये, तो देखिएगा अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर का मान ये है, मैं दो बार लिख रहा हूं, 7√3/2, 7√3/2, और एच कितना है 7√3, ध्यान से समझना, बोलिए आर स्क्वायर आर का मान 7√3/2, आर दो बार है तो 7√3/2, एच का मान एक, दोबारा समझ लें, इसका लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, तो 3 पहुंच गए यहां, 2:3, एल अपन टी निकाला, एच और आर एच आ गया। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि बड़ा होगा वो आर प्लस एच होगा, छोटा होगा एच होगा, तो ये चीज आपकी घट जाएगी, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न दिया है, आर और एच का मान रखा, एक्स की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दिया गया। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से काटूंगा 11 कट गया, यहां बचेगा आपका 11, इन 3 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, और ये 7 बचा, रूट हट गया, ए 7√3/2, गुणा कर लेना इन चारों का गुणा कर लेना, √3 जैसे का जैसा रहेगा, और यही आपका उत्तर होगा। आशा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन विद्यार्थियों को बात समझ में नहीं आई है, वो इस प्रश्न को और देखेंगे लगातार, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसे और देखेंगे लगातार, सो मेरी बात पकड़ में आ जाएगी। हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इस प्रश्न को और देखेंगे, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बड़े लेवल के प्रश्न हैं, आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है, टाइम कम है इसलिए प्लीज जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, जी हाँ। या फिर ऐसा करें, वीडियो अपलोड होने के बाद देख लेना, क्योंकि ये मेरा अंतिम प्रश्न है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये लीजिएगा। मैं बात करूंगा कि एक बेलन के एल तथा टी का क्षेत्रफल का अनुपात, एल टी का मतलब हो गया, ये हो गया बक पृष्ठ और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान से देखना। अब मैं इस प्रश्न को कितना छोटा कर दूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि आप मेरी बात समझ चुके हैं, ये होता है केवल एच और ये होता है आर प्लस एच, ये होता है केवल एच और ये होता है केवल आर प्लस एच, ये होता है ये होता है एच, ये होता है आर प्लस एच, तो खुद सोचो एच अकेला एक है और आर और एच दो हैं, तो आर भी क्या होगा आपका एक होगा, आर भी क्या होगा एक होगा, बस। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है 2πr r + h बराबर 616। अगर ये बात जिसने समझ ली वो बहुत जल्दी कर लेगा, कहीं कुछ नहीं है प्रश्न में, वो तो देखो पहला प्रश्न होता है, समझने में थोड़ा समय लगता है, समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाता है। r कितना है 1x को क्या x अकेला लिख देता हूं, r प्लस h कितना है 2x, ये लीजिएगा 616। देखो 2 से काट रहा हूं ऊपर, 2 × 3 = 6 भागना जाने की 0, 2 × 8 = 16, 2 से फिर काट रहा हूं, 2 × 1 = 2, 1 = 2, 5 × 10, 2 × 4 = 8। अब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, x x का गुणा x स्क्वायर बराबर